मणिपुरम गोल्ड लोन हटा ब्रांच, स्थान राय चौराहा सेंट्रल बैंक के पास पुरानी मछराई हटा। अपने यहाँ सबसे कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। महीने की ब्याज दर 58 पैसे, 67 पैसे, 70 पैसे, घर बैठे ब्याज जमा करने की बेहतर सुविधा है। अपने यहाँ लॉकर सुविधा भी है। 10 मिनट के अंदर गोल्ड लोन प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें सबसे कम ब्याज दरों पर। संपर्क करें 8878757345, 9072203872, 8871810325। जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना। मणिपुरम गोल्ड लोन। माध्यमिक शाला पाणाझर में मनाया गया स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता पखवाड़ा से बच्चे एवं ग्रामवासी हो रहे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक। स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए शाला में मनाया गया स्वच्छता पखवाड़ा हटा। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान अंतर्गत शासन द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। बटियागढ़ ब्लॉक के शासकीय माध्यमिक शाला पाणाझर में कोविड-19 एवं शासन के निर्देशानुसार विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शिक्षक विमल कुमार पटेल द्वारा बताया गया कि सर्वप्रथम स्वच्छता शपथ द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की गई। स्वच्छता जागरूकता के द्वारा बीमारियों से बचाव हेतु साफ सफाई का महत्व बताया गया। घर आंगन विद्यालय परिसर की साफ सफाई शरीर एवं शौचालय की सफाई के बारे में जानकारी दी गई। समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकालकर स्वच्छता स्लोगन द्वारा स्वच्छता का महत्व बताया गया। हरा भरा विद्यालय गतिविधि द्वारा बच्चों ने स्वच्छता को प्रेरित करने वाले पोस्टर एवं चित्र बनाए। स्वच्छता क्विज एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हाथ धुलाई दिवस द्वारा हाथ धोने का तरीका एवं बीमारियों से बचाव को जाना। शाला स्वच्छता प्रदर्शनी के द्वारा बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न चित्रों एवं पोस्टरों को चिपका कर प्रदर्शित किया गया एवं सुंदर डस्टबिन बनाकर बच्चों को घर पर डस्टबिन बनाने के लिए एवं उपयोग करने को प्रोत्साहित किया गया। शिक्षक विमल पटेल ने बताया कि विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा मनाना शासन की बहुत अच्छी योजना है। स्वच्छता के प्रति जागरूक न होने के कारण बच्चे एवं ग्रामवासी बीमारियों से परेशान रहते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा के माध्यम से बच्चों के साथ साथ समुदाय को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छता पखवाड़ा मनाने में जन समुदाय का सहयोग रहा एवं अधिकारियों ने सराहना की। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट। के बारे में पढ़ा है जिससे कि अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो उसे रोकिए। गंदगी से भी लोग बीमार पड़ते हैं और कोई कोई गंदगी फैलाता है तो उसे रोको तथा सोच के लिए खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए, शौचालय में जाना चाहिए। खुले मैदान में ज्यादा गंदगी फैलती है और शौचालय में जाते हैं तो वहाँ नहीं गंदगी नहीं फैलती है। अपने शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए, छोटे छोटे नाखून रखने चाहिए, बड़े नाखूनों में मिट्टी धूल के जम जाते हैं तो कोई कोई लोग बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं तो वह धूल के कारण पेट में जाते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए हमें हाथ धो के खाना खाना चाहिए और बड़े नाखून नहीं रखने चाहिए। काली मिट्टी या साबुन से धोने चाहिए और छोटे बाल रखने चाहिए, बड़े बाल नहीं। रोज नहाना चाहिए और खाना खाने के पहले हाथ धोना चाहिए और छोटे नाखून रखना चाहिए। मेरा नाम सरस्वती बंसल है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। अपने घर की आसपास की साफ सफाई रखनी चाहिए और स्कूल की और खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए
और अपने नाखून छोटे रखने चाहिए और अपने बाल छोटे रखने चाहिए।